सलाह या मुसीबत। दो चिड़िया एक पेड़ पर अपने सुंदर घोंसले में खुशी खुशी रहती थी। एक दिन जोरदार की बारिश हुई, जोर जोर से हवा चलने लगी। ठंड की वजह से वे दोनों कांप रही थी, लेकिन वो अपने घोंसले में सुरक्षित थे। अचानक वहां पर एक बंदर आया जो पूरी तरह से भीगा हुआ था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया। बंदर भी गीला होने की वजह से कांप रहा था। बंदर को देख दोनों चिड़िया आपस में बात करने लगी। पहली चिड़िया, देखो वो बंदर कितना कांप रहा है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? मदद? हम तो खुद ही इतने छोटे से हैं, हम इतने बड़े बंदर की मदद कैसे कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम खुद उसकी मदद करें, लेकिन हम उसे कोई अच्छी सलाह तो दे ही सकते हैं ना। सलाह? और उसे? वो काफी गुस्सैल है, क्या वो हमारी सलाह मानेगा? हम सलाह दे देते हैं, मानना ना मानना उसकी मर्जी। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सलाह देने के चक्कर में हम ही मुसीबत में पड़ जाएं। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। सुनो सुनो दोस्त, ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ। ओ चिड़िया, मैं तो खुद ही भीगा हुआ हूँ और कांप रहा हूँ, तो तुम मुझे तंग मत करो। मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम गुस्सा मत होना। ठीक है, जल्दी कहो क्या कहना है। देखो मेरी तो एक छोटी सी चोच है, तब भी मैंने धूप और बारिश से बचने के लिए घोंसला बना लिया है। तुम तो इंसान जैसे लगते हो, तुम्हारे दो हाथ हैं, दो पैर भी हैं। तुम अपने लिए घर क्यों नहीं बना लेते? बारिश में भीगने से अच्छा है घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहना। चिड़िया बात तो सही कर रही थी, लेकिन बंदर उसे गलत समझ रहा था। उसे गुस्सा आ गया और उस गुस्से में बंदर पेड़ पर चढ़ गया और उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। चिड़िया दुखी हो गई और वहां से भीगती हुई चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी सलाह देने से पहले सोच ले कि उसे सलाह देने या सलाह की जरूरत है भी या नहीं, और कहीं वो उल्टा आपका ही नुकसान ना कर दे, इससे आपको भी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कंजूस भेड़िया और शिकारी का धनुष। एक जंगल में एक बेहद ही कंजूस भेड़िया रहता था। वो इतना ज्यादा कंजूस था कि अपने खाने में भी कंजूसी करता था। वो जो भी शिकार करता था उसका मांस कई दिनों तक बचा कर रखा करता था, ताकि एक बार में खत्म ना हो और वो बार बार उसको खा सके। आज काफी मोटा ताजा शिकार हुआ है, इसको तो संभाल के रखूंगा, कम से कम एक हफ्ता चलाऊंगा। जैसे एक बार उसने हिरन का शिकार किया तो पहले दिन सिर्फ उसने कान खाया और अगले कई दिनों तक दूसरे अंग। कई बार तो उसके शिकार का मांस कई दिनों तक पड़े रहने के कारण सड़ जाता था, जिससे वो उसे खा ही नहीं पाता था और पूरा का पूरा शिकार बर्बाद हो जाता था। लेकिन फिर भी उसकी ये कंजूसी की आदत जा ही नहीं रही थी। इस तरह से वो हमेशा ही कंजूसी करता था। इसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था। उसकी मरियल हालत देखकर जंगल के अन्य पशु भी उसका मजाक बनाते थे। जब जंगल से भेड़िया गुजरता तो हाथी जिराफ जैसे सभी जानवर उसे बुलाकर उससे कहते, अबे कंजूस, ओए कंजूस। ये तो इतना कंजूस है कि अपना भोजन भी छुपा कर रखता है खुद से। ये एक दिन अपनी कंजूसी की वजह से ही मरेगा। कंजूस देखो कैसा मरियल होता जा रहा है। लेकिन भेड़िए को इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। एक बार जंगल में एक शिकारी आया, उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया, तीर मारा। जैसे ही तीर सुअर को लगा, क्रोधित सुअर तेजी से दौड़ते हुए शिकारी का पीछा करना शुरू कर देता है। सौभाग्य से शिकारी भाग निकला।
और नदी में कूद गया। चूंकि सुअर घायल था, वो अपनी एड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और खुद ही मर गया। कंजूस भेड़िया ये सब बहुत देर से देख रहा था। उसे बड़ी खुशी हुई कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और आज खुद ब खुद उसके शिकार का बंदोबस्त हो गया। उसने सोचा, इस मांस को तो मैं कम से कम एक महीने तक चलाऊंगा। इसी बीच उसकी नजर पास में पड़े हुए धनुष पर पड़ी। उसने देखा, धनुष के कोने पर चमड़े की पट्टी लगी है। उसने सोचा कि क्यों ना आज इस पट्टी को खाकर ही काम चला लूं, ताकि बाकी पूरा मांस कुछ दिन और चला सकूं। कंजूस भेड़िये ने पट्टी को एक तरफ से काटा। उसके काटते ही धनुष सीधा हो गया और सीधा उसकी गर्दन को चीरता हुआ बाहर हो गया। भेड़िया उसी वक्त मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी और ज़रूरत से ज़्यादा लालच हमेशा नुकसान होता है। किफ़ायती होना अलग होता है, पर कंजूस होने में कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मुसीबत का सामना। जंगली भैंस का एक झुंड जंगल में घूम रहा था, तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, उसके पिता ने बोला। हाँ, मैंने भी सुना है पिताजी कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता भाग जाऊंगा, है ना? बछड़ा बोला। नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, भैंस बोला। बछड़े को ये बात कुछ अजीब सी लगी। वो बोला, क्यों? वो खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं ना, तो भला मैं भागकर गलती कैसे करूंगा? मुझे अपनी जान भी तो बचानी है ना। उसके पिता ने उसको समझाया, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और अगर एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो क्या करना होगा पिताजी? ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराते हुए पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो तुम अपने तेज सींग उसे दिखाओ और घूरो, और उसे चेतावनी दो कि अगर वो नहीं गया तो तुम उसे जमीन पर पटक दोगे। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दो। भैंस ने बहुत गंभीरता से उसे समझाया। है, ये तो पागलपन है, ऐसा करना तो बहुत खतरनाक होगा। अगर शेर ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज हो गया और बोला, बेटे अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंस ने पूछा। बछड़ा घूम घूम कर इधर उधर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का एक बड़ा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाओगे और मुसीबत से लड़ते रहोगे तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। और अपने पिता से इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। ठीक है पिताजी, मैं ऐसे ही करूँगा। मैं शेर को अपने बड़े बड़े सींग दिखाकर उसे डरा कर भगाने की कोशिश करूँगा, पर कभी भी पीछे मुड़कर भागूंगा नहीं, है ना पिताजी? शाबाश। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर और हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीवन मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं, और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको ये सीख जरूर मिली होगी। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।